हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम NTPC CBT 2 का सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग NTPC CBT 2 और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बेस्ट बुक का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लोग डेली एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक आप लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम सेट 3 जो है वो सोल्यूशन करने वाले हैं, फुल सोल्यूशन के साथ, यानी फुल डिटेल के साथ। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए सेट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था। आप लोग को 3 सेकंड मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता यानी नरसिंह देव प्रथम थे। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काले पत्थर से निर्मित, यानी कोणार्क मंदिर जो है काले पत्थर से निर्मित है, इसीलिए इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये इटली में स्थित है। कहाँ? ये इटली में स्थित है। और ये जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, ना तत्व है और ना ही यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी वायु, वायु जो है वो एक मिश्रण है, ना ही तत्व है ना ही यौगिक है और ये एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। समान अणुसूत्र और अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर आइसोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ए ओ एच सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी कास्टिक सोडा। एन ए ओ एच किसका सूत्र है? तो कास्टिक सोडा हो जाएगा दोस्तों। कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में, दवा बनाने में और पेट्रोलियम को साफ करने में भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक, यानी बर्फ़ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो उसका गलनांक दोस्तों घट जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीविक एक संप्रदाय था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? आजीविक संप्रदाय, यानी आजीविक संप्रदाय का संस्थापक मखली घोषाल है और यह जो है यह बुद्ध का समसायिक है। क्या है? यह बुद्ध का समसायिक है। तो आंसर इसका यह हो जाएगा, और इसका संस्थापक मखली घोषाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी प्रतिभूतियों में व्यापार हो जाएगा, प्रतिभूतियों में व्यापार हो जाएगा। जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है, ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, RBI भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है। नेक्स्ट, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? संसद सदस्य के देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं संसद के द्वारा सभी का वेतन जो है वो तय किया जाता है कि किसको कितना मिलना है। जबकि दोस्तों,
यानी जबकि संयुक्त अधिवेशन जो है वो अनुच्छेद 108 में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है दोस्तों वो कौन करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान यानी सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, यानी संयुक्त सत्रावसान यानी बुलाने का अधिकार किसको पास है। तो दोस्तों बुलाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति का है, और इसका अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का काम है। जबकि यहाँ पे बोला है संयुक्त सत्रावसान यानी बुलाने का अधिकार किसको है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राज्य बनाने का जो कि प्रस्ताव रखा था, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था, यानी भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 हो जाएगा, कब तो 1994 इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। पंपा जो है ये अर्जेंटीना का है, सवाना जो है वो अफ्रीका का है, पेरिज जो है वो ये उत्तरी अमेरिका का है, तो इस तीनों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 38वीं समांतर रेखा है। जबकि 49 जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। जबकि 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं ये सीरीज डेली अपलोड हो, तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार सभी लोग सब्सक्राइब कर दो और अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक यहाँ पे शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को देख सकें। क्योंकि दोस्तों हम लोग इतना मेहनत करने के बाद वीडियो तो अपलोड करते हैं, बस 200 से 300 स्टूडेंट ही देख पाते हैं, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट देख सकें और मुझे भी यानी अंदर से मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो सभी लोगों को सब्सक्राइब करके एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो जो है बनाने में वो मन लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के रूप में जाना जाता है, तो सागरमाथा के रूप में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, ये नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में यानी भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, कौन सा है, तो K2। जबकि नेपाल में सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट पर्वत है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो है वो ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो टोटल है दोस्तों कितना है, सभी लोग आप यानी सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका जो है को सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट टोटल ऊंचाई जो है वो कितना है, 1850। टोटल जो है पहले जो था दोस्तों 1848 था, अब जो है वो 1850 हो गया है, इस दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारत जब विभाजन हो रहा था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था 1947 में, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी आचार्य जेबी कृपलानी थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो हम सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम जो था दोस्तों ये प्रथम ये महाधिराज यानी ये जो है वो महाधिराज की उपाधि धारण किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जबकि गुप्त संवत का जो शुरुआत दोस्तों ये 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में किस शैली का उदाहरण है, तो खजुराहो जो है दोस्तों
ये किस शैली का उदाहरण है? ये उत्तरी भारत का मंदिर है तो ये नागर शैली हो जाएगा, अगर दक्षिण भारत रहे तो द्रविड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खजुराहो जो है उत्तरी भारत का है तो ये नागर शैली का मंदिर का जो कि उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। जबकि दोस्तों उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था उस समय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो आंसर इसका दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महामंदिर यानी महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी पल्लव शासक कौन था, यानी पल्लव वंश ने करवाया था। तो आंसर इसका दो हो जाएगा यानी पल्लव वंश। जबकि पल्लव वंश जो है इसका प्रथम शासक जो था वो सिंह विष्णु था। कौन था? तो सिंह विष्णु हो जाएगा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। यानी महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो विचलन हो जाएगा वो बैंगनी रंग का होता है। किसका? वो बैंगनी रंग का होता है सर्वाधिक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर के परिपथ में फ्यूज होता है किस क्रम में? दोस्तों यहाँ पे फ्यूज पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर के परिपथ में अगर फ्यूज पूछे तो फ्यूज जो है वो श्रेणी क्रम में रहता है, ताकि जैसे ही अधिक वोल्टेज आए वो गल जाए और आगे विद्युत धारा प्रवेश नहीं करे। जबकि बल्ब जो होता है दोस्तों, फ्यूज जो होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। तो इसका आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा अगर आपसे बल्ब पूछ लिया जाए, यानी बल्ब तो बल्ब होता है समांतर क्रम में। पंखा भी समांतर क्रम में होता है। अगर बल्ब पंखा पूछे तो समांतर क्रम हो जाएगा, और फ्यूज पूछ रहा है यहाँ पे तो इसका आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलोप पर दो खदानों के बीच की दूरी होती है तो दो खदानों के बीच की दूरी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट जो है न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शकर्ता कौन होता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों यानी मुख्य विधि कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन साहित्य की ग्रंथों में निशक शब्द का उल्लेख मिलता है, निशक शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चलिए इसका आंसर दोस्तों यानी क्या हो जाएगा, देखिए निशक शब्द जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख दोस्तों सोने के सिक्के पर मिलता है, एक प्रकार के मुद्रा के रूप में भी मिलता है, और स्वर्ण आभूषण के रूप में भी मिलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण में बहवनी राजवंश का निम्नलिखित शासक कौन था? दक्षिण में बहवनी राजवंश का निम्नलिखित शासक संस्थापक कौन था? तो बहवनी जो वंश था इसका स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। किसने? तो हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जो कि बहवनी राज का स्थापना हसन गंगू ने 1347 में किया था। किसके समय में? तो MBT के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, दो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ही वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। किसने? तो दयानंद सरस्वती जो है इसी ने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल हो जाएगा निजी उपभोग व्यय,
सकल घरेलू निजी निवेश वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय इस कांस्य यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति ये भानु अथैया हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों ये 1952 में किया गया और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर शब्द में HTTP में एच का फुल फॉर्म क्या है, तो एच का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हाइपर हो जाएगा, यानी हाइपर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर ट्रांस टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हरारे किस देश की राजधानी है, तो हरारे जो है ये किस देश की राजधानी है, तो इसका आंसर यानी जिम्बाब्वे हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है, यानी किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सितारा देवी जो है वो कथक नृत्य का है, कथक नृत्य का दोस्तों ये जो है ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और कथकली केरल में, तो इस सारों को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट किसी संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यानी अधिकार जो है वो यानी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, किस, तो आंसर इसका ये हो जाएगा यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। नेक्स्ट देखिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये चीन है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी रदरफोर्ड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीमोग्लोबिन किसका मापक है, हीमोग्लोबिन किसका मापक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी रक्त शुद्ध का, रक्त की शुद्धता करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना है, यानी सीधी कार्यवाही दिवस मनाया है मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग जो है दोस्तों इसने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया है, तो आंसर इसका दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है कहाँ यानी किस मिट्टी में, तो इसका आंसर हो जाएगा दलदली मिट्टी में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है, बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि पद्धति कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मल्याद किस भाषा का ग्रंथ है, यानी अमुक्त मल्याद जो है दोस्तों ये किस भाषा का ग्रंथ है, अगर आपसे पूछे अमुक्त मल्याद तो इसका आंसर यानी तेलुगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी अमुक्त मल्याद जो है ये तेलुगु भाषा का, जो कि तेलुगु भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया था, जबकि आप दोस्तों ये संस्कृत भाषा में कौन सा पुस्तक लिखा गया है कृष्णदेव राय द्वारा, तो ये जामवती, यानी जामवती कल्याणम इस पुस्तक को दोस्तों यानी कृष्णदेव राय ने इस पुस्तक को यानी संस्कृत भाषा में लिखा और अमुक्त मल्याद को तेलुगु भाषा में लिखा, तो इस दोनों पुस्तक को याद रखेगा, जामवती कल्याणम को संस्कृत भाषा में और अमुक्त मल्याद को तेलुगु भाषा में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो अग्निशामक के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, CO2 छोड़ने पर वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, इसी कारण आग जो है वो आग बुझ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्तक्षेप, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पूंजीवादी के रूप में, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो वैदिक लोग हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये लोहा का प्रयोग किया था, यानी वैदिक समाज में सबसे पहले लोहा का प्रयोग किया गया था, और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले तांबा जो कि खोजा गया था, और प्रथम जो औजार था वो कुल्हाड़ी था, प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट
राइडर कप का संबंध किस खेल से, राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर यानी गोल्फ हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है दोस्तों ये गुजरात का है। किसका, तो ये गुजरात का है। टोटल जो है वो 1200 किलोमीटर है, टोटल सबसे अधिक 1200 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश है गुजरात के बाद, अगर पूछे दूसरा स्थान पर तो आंध्र प्रदेश है। जबकि भारत का टोटल जो है वो नौ राज्य ये टोटल 9 राज्य तट रेखा से लगा हुआ है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चाहते हैं इसका सीरीज जो है वो डेली अपलोड हो तो सभी लोगों सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा सभी जगह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। और इसका PDF अगर चाहते हैं आप लोग तो बताइएगा कमेंट में, उसके बाद हम लोग इसका PDF जो है वो टेलीग्राम में भी अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा जो सुपर थर्टी जो है दोस्तों साइंस का, वो रात 8 बजे आप लोग को उसका वीडियो मिल जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का ही वीडियो सुपर थर्टी रहेगा, जिसमें दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा जो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा 8 बजे सुपर थर्टी का। तो अगर आप लोग डेली ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।